बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज के अखाड़ा की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो बीजेपी को लेकर आ रही है। 10 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जिसमें दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। 3 मार्च को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब तैयारी दूसरी लिस्ट की है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा सीधा पार्टी को और नीचे के नेताओं को संकेत दे दिए गए हैं, जो इस लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कि उस लिस्ट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस लिस्ट को पूरी तरह से पढ़ें, उसे वेट करें, उसको एक एक उम्मीदवार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसको उसका आकलन करें और उसके बाद ही उनके सामने लेकर आए। यतेंद्र शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, पहले अटकलें लगी थी कि 8 तारीख को शायद ये होगा, ये लिस्ट आएगी, ये मीटिंग होगी और ये लिस्ट आएगी, पर अब समझ में आ रहा है कि 10 तारीख को मीटिंग होने वाली है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बात से नाखुश थे कि पहली लिस्ट में से 2 विड्रॉवल हुए थे और कुछ उम्मीदवारों को लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी उठी थी? देखिए, बिल्कुल, पहली लिस्ट जब आई थी पिछले शनिवार को ये लिस्ट आई थी और उसमें उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया था और जब 2 कैंडिडेट्स के ऊपर आरोप लगे और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जरूर नाखुशी जताई थी कि क्या रिसर्च टीम जो थी, क्या उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, या जो प्रदेश की कोर कमेटी थी जो जब वो नाम लेकर आई थी तब उन्होंने अपना होमवर्क सही से पूरा नहीं किया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। क्योंकि बाराबंकी के सांसद का जिस तरह से सेक्स वीडियो सामने आया, उसके बाद उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। और पश्चिम बंगाल से जो भोजपुरी गायक थे पवन सिंह, उनके जो गीत थे वो, जिनके ऊपर आरोप लगाया टीएमसी के कि महिलाओं को लेकर अश्लील गाने उन्होंने गाए, उसके बाद उनको भी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। तो एक झटका, एक कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं उपहास एक तरह से उड़ाया गया था और विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाने का काम किया। हालांकि तुरंत इन उम्मीदवारों ने अपना नाम खुद वापस लिया, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ी बहुत राहत मिली और आगे इस तरह की कोई भी कमी ना निकले, कोई भी इस तरह का मामला सामने ना आए, इसको लेकर कोर ग्रुपों के साथ लगातार बैठक बीजेपी। देखिए, करीब 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहली लिस्ट में हो गई थी, तो दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है? देखिए, आज 8 मार्च को यह बैठक होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के बाहर होने की वजह से यह बैठक टल गई। अब 10 मार्च की शाम को 6 बजे यह बैठक होगी, यानी कि दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा और मोहर लगाने का काम किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह लिस्ट भी 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम पर आ सकती है, जिसमें उड़ीसा के कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसमें हरियाणा, शिमला, हिमाचल, चंडीगढ़, इसके अलावा आंध्रा और पश्चिम बंगाल और ऐसे कई राज्य हैं, बिहार और महाराष्ट्र, ये भी के भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। इन सभी कोर ग्रुपों, जो राज्यों के कोर ग्रुप है, उनके साथ बीजेपी नेतृत्व लगातार मिल रहा है और 10 मार्च की शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये मीटिंग होगी। अगर आप कह रहे हैं यतेंद्र की 10 तारीख को आने वाली इस लिस्ट में या इस मीटिंग के बाद आने वाली लिस्ट में महाराष्ट्र में से भी बीजेपी के उम्मीदवारों के का शुमार हो सकता है, यानी कि तब तक सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी, करीब 30 सीटों पर लड़ने की बात चल रही है कि इस बार बीजेपी लड़ेगी उस महायुति में, जहां सीटें कुछ सिंधे फैक्शन को भी जाएगा, कुछ अजीत पवार के खेमे को भी जाएगा और इस बीच में क्या एमएनएस भी आ जाता है एनडीए के पाले में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगले 48 से 72 घंटे बड़े दिलचस्प, रोचक हो सकते हैं महाराष्ट्र के पटल से। यतेंद्र, धन्यवाद, आपकी ओर रुख करेंगे और खबरों के साथ, लेकिन आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। लोकसभा चुनावों के लिए सभी दलों की जोर आजमाइश चल रही है, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और हर हाल में चुनाव जीतने की गणित बनाई जा रही है। इसे चुनावी गणित यानी पोल अरिथमेटिक कहा जाता है।
लेकिन बीजेपी की चुनौती कुछ और है, जो जीत से आगे की है और उसके लिए पार्टी जी जान से जुट गई है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, 24 में 400 पार, 24 में 24 में फिर एक बार, फिर एक बार। घर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार। मैं भी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार। संसद से लेकर जनसभाओं तक प्रधानमंत्री का ये उद्घोष ही बीजेपी की बड़ी चुनौती है। जीत से आगे बहुत आगे वाला ये जोश है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर बार कर रहे हैं, और ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे पिछले चुनाव नतीजों का रिकॉर्ड है, जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विकास का एजेंडा है, और सबसे बढ़कर इसे हासिल करने की जी तोड़ कोशिश है। बीजेपी अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ अपने एक एक उम्मीदवार को तय करने के लिए रात रात भर मंथन कर रही है, बल्कि एक एक राज्य में अपने लिए नए साथी तैयार कर रही है, पुराने साथियों को सुन रही है और समझौतों पर सहमति बना रही है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए को लेकर हलचल तेज है, पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू से बात बनाने की कोशिश चल रही है। टीडीपी अध्यक्ष ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, साथ ही जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी दोनों नेताओं से मिले। पहले दौर की वार्ता में बात आगे बढ़ी और बीजेपी को उम्मीद है कि अगली बात में आंध्र में बात बन जाएगी। आंध्र प्रदेश में सीटों पर ये मंथन विधानसभा चुनावों के लिए भी है जो लोकसभा के साथ होने हैं। अपने कुनबे को बढ़ाने की एनडीए की ये कोशिश दूसरे राज्यों में भी हो रही है। पंजाब में पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ बात करीब करीब आखिरी दौर में है, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने हैं। 1984 के आम चुनावों का नतीजा इकलौता है जिसमें किसी दल ने 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो पहली बार था और अब तक आखिरी भी है। बीजेपी 400 पार के नारे की अहमियत और असलियत दोनों से वाकिफ है, यही वजह है कि एनडीए का परिवार बढ़ाने की कोशिशों में पुराने साथियों को साथ लाया जा रहा है और रूठे साथियों को मनाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि बढ़ेगा एनडीए परिवार तो पूरा होगा मिशन 400 पार।